से हॉर्न, हॉर्न का साउंड भी सुन लीजिए, देखिए उसका भी कलर वैसा ही सेम है और इसका भी। स्पोर्ट मोड तो भाई रॉकेट बन जाता है स्कूटर। ओके तो भाई ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब आपको वीडियो देखने मिल रहा है, तो आप देख सकते हो अब मैंने क्रूज ऑन कर दिया है भाई। और भाई ऑफर जो मैंने बताया सर कंफर्म है ना, 500 कम मिल जाएंगे जो भी मेरे नंबर के थ्रू आपके पास में आएगा। गाइस वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैनल ब्लॉग। तो भाई साहब कल मैंने आपको 4 किलोवाट का रिव्यू दिखाया, तो अब भाई 3 किलोवाट और की डिलीवरी अपडेट, टेस्ट राइड, सब कुछ आपको राइड रिव्यू मैं दे दूंगा, जिससे कि भाई आपको स्कूटर कैसा है, क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, सब कुछ मोड वगैरह हम इसके चेक कर लेंगे। जो कल मैंने आपको बताया वो 4 किलोवाट वेरिएंट था, जो कि वो किसी कस्टमर का है भाई, तो वो राइड करने के लिए अभी अलाउ नहीं है ओला की तरफ से। तो यहाँ पर जो 3 किलोवाट वेरिएंट है भाई सेम कलर में आया है, जिसकी कि भाई अभी टेस्ट राइड हम लोग लेने वाले हैं। और सबसे पहले भाई आप एक्स है ये देख लीजिए, जो कि ये प्लस नहीं है। ओके ये जो हमारे भाई ओला एक्सपीरियंस सेंटर के मैनेजर है, चैनल पे आपका वेलकम है। अब सबसे पहले ये बताइए भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ओला स्कूटर की जो एक्स की हमारी 2-3-4 किलोवाट की डिलीवरी है वो कब मिलने वाली है? अभी फिलहाल के सिनेरियो में तो 15-20 दिन का है, यानी 15-20 दिन लग जाएगा सर। तो ओके, तो कई सारे लोगों के आरटीओ वगैरह सारी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होके है सर, लेकिन अभी भी स्कूटर मिल नहीं रहे। 2 किलोवाट का थोड़ा सा मुश्किल है, 3 किलोवाट का भी थोड़ा मुश्किल है, मगर 4 किलोवाट का सबका आरटीओ वगैरह रजिस्ट्रेशन डन है, उनकी 15-20 दिन में आएंगे। अच्छा, जल्द से जल्द एज पॉसिबल 2 किलोवाट और 3 किलोवाट पे आने वाले। ओके, यानी 2-3 का थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 के आरटीओ हो गए और 15-20 दिन में डिलीवरी मिलेगी। तो भाई अभी ओला के सेंटर से खुद मैनेजर से मैंने आपकी बात करा दी। और सबसे पहले भैया ये भी बता दीजिए 500 रुपीज़ ऑफ आप कैसे करने वाले हो? बिल्कुल सर, आप आ जाइए इनके लिंक के थ्रू करवा देंगे। ठीक है, तो भैया इन्होंने आपको क्लियर बता दिया है, चैनल पे व्यूअर्स आप देख सकते हो, किसी पे भी ये भाई ऐसी कभी ऑफर आपने चैनल पर नहीं देखी होगी। 500 रुपीज़ ऑफ आपको 2-3-4 तीनों में से कोई भी किलोवाट आप बुक करो, 500 रुपीज़ ऑफ आपको मिल जाएगा, जिसमें कि मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देते चलूंगा, जहाँ पे आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। तो अभी देख सकते हो आप कैसे तरीके से आपको स्कूटर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से भाई ये ऑन कर लिया हमने, फर्स्ट टाइम भाई स्कूटर को ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पर पार्क मोड लिखा है और ये 3 किलोवाट वेरिएंट है भाई, 99% स्कूटर यहाँ पर चार्ज है, रेंज यहाँ पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, बट अगर अभी मैं स्टैंड निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर पार्क लिख के आता है। अभी मैंने स्टैंड निकाल लिया भाई, तो भी पार्क लिखा हुआ है, जिसके लिए आपको ब्रेक दबा लेना होगा और जो हमारा सेल्फ का बटन है लाइक एक्टिवा ये दबा लेना होगा भाई साहब, जिससे कि मोड हमारा नॉर्मल लग गया है। अब सबसे पहले आपको बताऊँ तो रेंज यहाँ पर है 99% में, 100 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन भाई इसको अगर एक बार दबाओ तो इको मोड आ जाता है, जिसमें भाई 126 किलोमीटर 3 किलोवाट हमें यहाँ पर दिखा रहा है, जिससे कि आपको ये अंदाजा लगे कि स्कूटर कितना चलने वाला है। जो कि ARI रेंज हमें बताती है भाई कंपनी, वो नहीं मिलती होगी, इन रियल लाइफ की कंडीशन कुछ और निकल कर आती है। तो आप देख सकते हो 126 किलोमीटर यहाँ बता रहा है इको, और उसके बाद में भाई इधर कर ले तो ये स्पोर्ट मोड लग जाता है, बहुत ही ईजी और अच्छी क्वालिटी लग रही है भाई बटन की। लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले स्कूटर हमेशा की तरह जो BLDC मोटर ये फील कराते हुए, जो कि भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा कट 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 मोटर पीछे करने लग जाती है, जो कि स्टार्ट में ऐसा होता है, लेकिन दैट्स इट, स्कूटर एक बार परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना भाई तो एकदम ग्रिप पकड़ लेता है, क्योंकि सेम टू सेम एक्स प्लस है। ओके, तो सबसे पहले भाई थोड़ा आगे चले जाएंगे हम, फिर वहाँ पर चेक कर लेंगे कि स्कूटर का परफॉर्मेंस क्या है। और स्कूटर भाई वाकई में बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो भाई बाकी सस्पेंशन वगैरह भी स्कूटर का बढ़िया है, जब मैं अभी चला रहा हूँ आगे झटके भी आप देख सकते हो, सस्पेंशन भी राइड क्वालिटी एक नंबर बढ़िया है भाई जी, कोई इशू नहीं। ओके, तो भाई सबसे पहले अभी इको मोड देख लीजिए, जो कि भाई हमेशा मैं कहता हूँ हाईवे पे ये काम में नहीं आता। देखिए, जो कि भाई आपको ओवरटेक करना है तो दिक्कत जाएगी, बस ये सिटी के यूज़ का है भाई, जिसकी टॉप स्पीड सिर्फ 40 जाती है, फुल थ्रोटल है भाई। ओके, बस 40-42 जाता है, उसके ऊपर स्कूटर पूरा ड्रैग करने लग जाता है, तो ये सिटी में अच्छा है भाई। और जो फुल रेंज है आपको इसमें देखने मिलेगी, जो 121 अभी आपको यहाँ दिखा रहा है, यानी कि जितने परसेंट अभी मेरी है। ओके, और तो भाई इको मैंने आपको दिखा दिया, जो कि इतना खास नहीं है, बस आपको सिटी में चलाना होगा। मेन निकल कर आते हैं हमारे नॉर्मल और स्पोर्ट, जो कि अगर आप इसको इधर राइट में स्वाइप कर लो तो आप देख सकते हो नॉर्मल पे गाड़ी लग चुकी है। नॉर्मल मोड पे लगने के बाद थोड़ा गाड़ी एकदम पिकअप ले लेती है, लेकिन 50 होने तक भाई थोड़ा स्कूटर को टाइम लग जाता है। बाकी मजा तो आता है भाई स्कूटर में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सस्ता स्कूटर चिपका दिया है या फिर प्राइस कम है तो आपको बेकार स्कूटर लगेगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सबसे पहले ये चीज़ को हटा लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम सब कुछ दिया है भाई। यहाँ पर थोड़ा हाई हिल्स भी है, तो आप देख सकते हो नॉर्मल मोड पे गाड़ी है, डबल सीट है भाई, हम गाड़ी आराम से पिकअप लेती है। ओके, अगेन एक सेकंड के लिए अगर स्पोर्ट मोड दबा दो भाई तो देखते हैं हम पिकअप, क्या बात है भाई साहब, स्पोर्ट मोड तो भाई रॉकेट बन जाता है स्कूटर। ओके, तो जो लोग भी भाई स्कूटर बाय करने वाले हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट निकल कर आती है। परफॉर्मेंस तो भाई नो डाउट स्कूटर का बहुत बढ़िया है, क्योंकि ओला हमेशा से परफॉर्मेंस तो बहुत ही सही देती है भाई। ओके, तो भाई कोई भी इशू आपको स्कूटर में देखने नहीं मिल रहा, और नॉइस जो है बहुत कम है, पैनल गैप की फिटिंग भी बहुत बढ़िया है भाई साहब। थोड़ा यहाँ बेकार रोड है, नॉइस वगैरह आ रही क्या वो भी मुझे चेक करना था, ताकि राइड रिव्यू में अपने को सब कुछ पता चल जाए भाई साहब। जो कि आप देख सकते हो मेरे आवाज़ में शेकर आया, लेकिन स्कूटर का भाई 1% भी नॉइस नहीं आ रहा है, जो कि हमने माइक वगैरह सब लगाया है, लेकिन भाई उसमें हमेशा S1 X प्लस वगैरह के नॉइस आते थे, S1 एयर के भी, बट इसमें थोड़ा सा भाई क्वालिटी में इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, क्या पता भाई, लेकिन इस बार साउंड वाकई में कम है। ओके, और ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ भाई 2-3-4 के लिए तीनों के लिए लागू हो जाती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हाइपर मोड नहीं आता, तो बाकी परफॉर्मेंस और जो चीज़ें सब कुछ सेम निकल कर आती है। क्रूज भी करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, अब मैंने क्रूज ऑन कर दिया है भाई, दोनों हाथ छोड़ दिए है, देख सकते हो। ओके, क्रूज पर है गाड़ी अभी और आराम से चल रही है, आप देख सकते हो भाई दोनों हाथ छोड़ दिया हो, गाड़ी क्रूज पर है। तो यहाँ से अगर आप भाई देखो, क्रूज अभी मैंने हटा दिया है, यहाँ पर आपको लिखा आ जाता है, अभी यहाँ से अगर मैं ब्रेक मारूँ तो क्रूज हट भी जाता है। उसके बाद में भाई यहाँ पर अगर देखे तो हैजर्ड लैंप भी मैंने चला के देख लिया है, किसी भी तरीके से नहीं जलते। यहाँ पासिंग का बटन है, यहाँ से हॉर्न, हॉर्न का साउंड भी सुन लीजिए, थोड़ा लेट लगता है भाई। ओके, अच्छा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैंने 6.5 किलोमीटर स्कूटर चला लिया है। एक बार अगेन भाई स्पोर्ट मोड का जो है हम थोड़ा सा पावर देख लेते हैं। अब जैसा भाई हाईवे पे ओवरटेक वगैरह करना है
इंस्टेंट पिकअप आ जाता है भाई, इंस्टेंट बहुत मजा आ जाता है। तो भाई ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब आपको वीडियो देखने मिल रहा है। इसके बाद भाई डिस्प्ले वगैरह भी आप इसका देख लो तो छोटा सा है, जो आगे ना आपका बस काम कर देगा, स्पीड वगैरह काम की चीजें यहाँ पर बता देगा। तो बहुत प्रैक्टिकल स्कूटर निकल कर आ रहा है। और जो फ्लैट फुटबोर्ड है भाई वाकई में बहुत काम के आते हैं, जिससे कि भाई यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है। देखिए मेरे यहाँ पर पैर लगते हैं, ओके। तो जो हाइटेड बंदे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी भाई मॉम है, डैड है, जो भी घर में छोटे हैं, अगर उनके लिए स्कूटर लेना है तो आप ये स्कूटर आराम से ले सकते हो। ये कुछ छोटा मोटा एक राइड रिव्यू है जो मेरा पर्सनली निकल कर आता है। बाकी तो भाई पूरी तरीके से इसका रेंट टेस्ट और फुल ऑन रिव्यू भी हम बहुत जल्द चैनल पर कर लेंगे। इसलिए अभी हम एक्सपीरियंस सेंटर पर आ चुके भाई, स्कूटर चला के सस्पेंशन भी बढ़िया है भाई, देखिए। ओके, तो ये था भाई कुछ राइड रिव्यू जो कि मैं अभी स्कूटर आपके सामने देख सकते हो। आप 11.3 किलोमीटर चलाकर आ गए हो भाई, जिसमें कि बैटरी कितनी थी, रेंज कितना है, अभी आपको पता चल गया होगा। सर थैंक यू अगेन, एक बार आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने हमको टेस्ट राइड दी है। और भाई ऑफर जो मैंने बताया सर कंफर्म है ना, 500 कम मिल जाएगी जो भी मेरे नंबर के थ्रू आपके पास में आएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर मुझे लगा है भाई चलने में, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स सब कुछ मैंने इसका आपको बता दिया है। वहाँ पे आप देख सकते हो भाई एक्स प्लस भी लगा है और ये एक्स है हमारा की। आप डिफ्रेंशिएट करिए भाई, स्कूटर पता ही नहीं चलते कि कौन सा खड़ा है। आप देखिए उसका भी कलर वैसा ही सेम है और इसका भी, जो कि यहाँ पर की लगी है आप ये देख सकते हो। ओके भाई, जो नहीं तो आप बोलोगे वही मैं स्कूटर बता रहा हूँ। तो भाई ये था हमारा आज का कुछ वीडियो, जो कि भाई हम टेस्ट राइड लेकर आ चुके हैं। और अगर आपको भाई टेस्ट राइड वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।